हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या फिर मौसम बदलने के साथ ही छोटी से छोटी बीमारी हमें घेर लेती है। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम रहती है? आप जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, मौसम बदलने के साथ ही आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, या फिर आपके गले में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में थकावट महसूस होती है, नींद बहुत ज्यादा आती है। ऐसा होने की वजह हो सकती है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, या फिर आप में कैल्शियम की कमी हो, क्योंकि आजकल सबका शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी होता है कि हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, डाइट नहीं लेते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है, ना ही हम समय पर खाना खाते हैं और ना ही टाइम पर सोते हैं। जब तक आप यंगर एज में हैं तब तक इस बात का इतना एहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और आप मिडिल एज में आ जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसका हमें धीरे धीरे पता चलता है। इवन पहले तो ये बड़ी एज में होता था, लेकिन आजकल छोटे बच्चों की भी इम्यून सिस्टम काफी वीक हो गया है। वजह ये है कि शुरुआत से ही वो ऐसी डाइट नहीं लेते हैं जिससे उनकी बोन स्ट्रांग बने, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आगे जाकर के हमें फेस करने पड़ते हैं। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोल सकती कि आप अपना शेड्यूल चेंज करिए, हर किसी का अपना शेड्यूल होता है, अपने वर्कलोड के हिसाब से हर किसी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी ही पड़ती है। पर आप अपनी डाइट में एक हेल्थ ड्रिंक जरूर ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और जिसको बनाने में ज्यादा समय भी ना लगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो ड्रिंक बताने जा रही हूँ वो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके बोन्स को भी हेल्दी रखेगी, साथ ही आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं उनकी कमी भी पूरा करेगी। तो चलिए देखते हैं इस इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक को किस तरह से तैयार करना है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच सेसमे सीड्स यानी सफेद तिल। यानी तेल लेने से आपकी बॉडी में फाइबर इंटेक बढ़ता है, और अगर आप प्रोटीन फूड जैसे कि डायरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं तो उसकी कमी भी सेसमे सीड्स से पूरी होती है। साथ ही सेसमे सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक होता है, और इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि आपके बोन्स को हेल्दी रखते हैं, बोन्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। स्पेशली जिन लोगों को बैक पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, और जिनकी हड्डियों में इन्फ्लेमेशन होता है यानी झुनझुनाहट से होती है, उनके लिए व्हाइट सेसमे सीड्स बहुत अच्छे हैं। एनीमिया की शिकायत है उनके लिए भी व्हाइट सेसमे सीड्स यानी सफेद तिल बहुत अच्छे रहते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 काजू के दाने। काजू में मैग्नीशियम होता है जो कि बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ई और मिनरल्स होते हैं जो कि शरीर में मैग्नीशियम और जिंक की कमी को पूरा करते हैं। काजू में लो फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 10 बादाम के दाने। बादाम में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 छुआरे। छुआरे आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी कफ एंड कोल्ड हो जाता है, छाती में जकड़न रहती है, हड्डियों में झुनझुनाहट होती है, तो छुआरे उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप छुआरे नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी जगह आप फ्रेश खजूर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी चीज़ों को एक ग्राइंडर जार में डाल करके अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका एक पाउडर जैसा तैयार कर लेना है। इस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लिया है। इसको लेना किस तरह से है और कितनी क्वांटिटी में लेना है वो बहुत ज़रूरी है। अब आपको 1 चम्मच किशमिश लेनी है और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। आप इस तरह से किशमिश का अलग से पेस्ट तैयार करके उसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप 1 ग्लास गरम दूध ले लीजिए और इसमें 1 चम्मच किशमिश का पेस्ट मिला दीजिए, और साथ ही हमने जो पाउडर तैयार किया है उसका 1/2 चम्मच आप इस दूध में मिला लीजिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी डालने से इस दूध के जो बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, ब्रेन के लिए अच्छी होती है, साथ ही आपके खून को साफ करती है, लिवर और हार्ट को हेल्दी रखती है, और अगर आपके जोड़ों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है तो दूध में हल्दी जरूर ऐड करें। इस दूध को आप दिन में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले इसे लें, और खाना खाने के कम 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको इसे लेना है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, दिमाग के लिए, आँखों के लिए और आपके ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं।
रोजाना इस दूध को सोने से पहले पीजिए और कुछ ही दिनों में आपको अपनी बॉडी में खुद ही चेंजेस नजर आएंगे। आपका काम करने का स्टेमिना बढ़ जाएगा, दिमाग तेज होगा, आंखें स्वस्थ रहेंगी, हड्डियों को मजबूती मिलेगी, साथ ही शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी मिलेगी। अगर आपकी आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए। मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।